अयोध्या पहुंचे प्रदेश के सिंचाई मंत्री और भाजपा नेता धर्मपाल सिंह ने राहुल गांधी के घोषणा पत्र पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में आतंकवादियों पर देशद्रोह का मुकदमा न चलाने का वादा किया गया है। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान से आतंकवादी आए और हमला करके चले जाएं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा भी न चले। कांग्रेस के घोषणा पत्र की सिंचाई मंत्री ने कड़ी निंदा की। प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन पर धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रदेश में गठबंधन का कोई प्रभाव नहीं है, ना ही इसमें कोई तरक्की दिखाई दे रही है। श्यामलाल निशा जी से निवेदन है। वास्तव में राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने घोषणा पत्र में देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलेगा, क्योंकि हम सारी सुविधाएं दे दें सुरक्षित नहीं है, पाकिस्तान का आतंकवादी आएगा हिंदुस्तान में बम विस्फोट करेगा और चला जाएगा, देशद्रोह का मुकदमा नहीं होगा, ये बहुत ही निंदनीय बात है। और वास्तव में मोदी जी ने जिस तरीके से सुरक्षा देने का काम किया है, पुलवामा का कांड किया, उस पर बदला लिया, सर्जिकल स्ट्राइक के साथ बदला लिया, एयर स्ट्राइक की, और आज देश का हर नागरिक मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के कृतित्व में विश्वास रखता है और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय मोदी जी का ही है, जनता ने निर्णय बना लिया है।